ये सिस्टम इसलिए लगाया जाता है कि यहाँ पे जैसे रेल ब्रेकेज होने का चांस कम रहता है, रेल ब्रेकेज यानी टूटने का चांस कम रहता है, इसलिए ये सिस्टम यहाँ पे डालती है रेलवे। और ये गैप दे रखा है तो यहाँ पे गर्मी में ये गैप कम होता जाता है, रेल बढ़ती है, सर्दी में सिकुड़ती है तो ये अपने आप गैप बढ़ता जाता है, तो इसलिए ये सिस्टम डालते हैं जिससे कि रेल टूटने का चांस कम रहे, ब्रेकेज होने का कम चांस रहे, इसलिए ये सिस्टम लगाया जाता है यहाँ पे। तो इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको बताता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि रेलवे में ये सिस्टम क्यों डालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो कि ये अलग ही सिस्टम है, तो इसको क्यों डालते हैं रेलवे में। तो देख सकते हो इसमें पूरा सिस्टम ही आपको अलग लग रहा है, तो इसके बारे में बताता हूँ आपको कि ये क्यों डालते हैं। ये इसलिए डालते हैं कि जब भी रेल गर्मी में है कि जो बढ़ती है तो वो अपने आप लंबी होती जाती है, सभी को मालूम है। तो ये इसलिए लगाया जाता है कि ये गैप जो दे रखा है, तब पड़ती है तो गैप कम होता जाता है, इसलिए ये रेल ये सिस्टम यहाँ पे डालते हैं। और जब भी ये सर्दी में रेल आपको पता है कि सिकुड़ती है सर्दी में, तो सिकुड़ती है तो ये गैप इसलिए रखते हैं यहाँ पे जो साइड में दे रखा है इधर बाहर की तरफ, ये इसलिए गैप अगर सिकुड़ती है तो ये गैप धीरे धीरे, रेल आपको पता है यहाँ पे गैप दे रखा है तो रेल अपने आप सिकुड़ती है तो ये अपने आप लंबी होती जाती है। जब ये गर्मी में बढ़ती है तो गर्मी में आप देख सकते हो ये बिल्कुल गर्मी अपने आप बढ़ती है तो ये गैप कम होता जाता है, इसलिए ये सिस्टम यहाँ पे अपन यहाँ पे रेलवे डालती है जिससे कि रेल ब्रेकेज होने का यानी कहीं टूटने का कम चांस रहता है इससे, इसलिए ये लगाया जाता है।